हेलो। तो भाई आज दो चीजों का बेसब्री से इंतजार है, पहला चांद और दूसरा इंडिया और पाकिस्तान का मैप। तो भाई चांद की गारंटी मैं क्या कोई भी नहीं ले सकता कि चांद कब तक निकलेगा और आगे क्या होगा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की टीम की गारंटी मैं ले सकती हूँ कि भाई टाइम जो मैच है वो अपने टाइम पे ही होगा। और भाई आज का मैच क्या हमेशा से जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है एक त्यौहार से कम नहीं माना गया है। सड़कें बिल्कुल खाली होती है, लोग बिल्कुल टीवी पर में नजर झड़ाए रहते हैं कि भाई कौन जीतेगा। भाई उत्साह की बात है, और सबसे ज्यादा उत्साह की बात पता क्या है कि 5 साल बाद एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान मैदान में खेलने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। जी हाँ भाई, 5 साल बाद फिर से, मतलब ये कहें कि 2021 चल रहा है आपका, तो 2016 या 2015 के बाद इंडिया पाकिस्तान हमें मैदान में फिर से देखने को मिलेगी। लेकिन आज के मैच में ना बहुत सारी नई नई चीजें हैं। अगर हम भारत से शुरुआत करें तो भारत में बहुत सारी चीजें नई हुई हैं, जैसे कि अभी आईपीएल खत्म हो चुका है, तो आईपीएल में जिन प्लेयर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है उनको टी20 में खेलने का मौका मिला है। भाई वरुण चक्रवर्ती हैं, केकेआर के लिए उन्होंने आईपीएल खेला था और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन केकेआर के खिलाफ किया, केकेआर फाइनल्स तक पहुंची, हालांकि सीएसके से हार गई, लेकिन फिर भी वरुण चक्रवर्ती का नाम जो है वो टी20 वर्ल्ड कप में शामिल हो गया। फिर बात आती है आपके धोनी की, तो भाई धोनी एज अ मेंटर टी20 इंडिया के लिए इस बार आए हैं कि भाई जो भी पिच की जो भी कंडीशन होगी या जो भी प्लेयर जब भी खेलेगा वो सब धोनी ही करेंगे। सबसे आखिरी बात क्या है, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन हमारे जो चीकू है यानी कि कैप्टन विराट कोहली है, उनका ये आखिरी टी20 वर्ल्ड कप है एज अ कैप्टन। मतलब इसके बाद वो खेलते हुए तो दिखेंगे लेकिन कैप्टनसी नहीं करेंगे। और पिछले मैच में वार्म अप मैच में आपको जैसे याद ही होगा, जब इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्म अप मैच हुआ तो उसमें विराट कोहली टॉस के लिए नहीं आए थे, उन्होंने बाकायदा रोहित शर्मा को भेजा था, क्योंकि भाई अब आने वाले टाइम में ऑब्वियसली रोहित शर्मा ही जो है वो टी20 वनडे की जो कैप्टनसी है वो संभालेंगे, तो उन्होंने रोहित शर्मा को मौका दिया। पाकिस्तान की मैं बात करूं तो भाई इंडिया के दामाद यानी कि शोएब मलिक की पाकिस्तान टीम में एक साल बाद वापसी हो रही है। जी हाँ, शोएब मलिक जो है वो एक साल बाद फिर से हमें पाकिस्तान के टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। तो है ना, बहुत ज्यादा दिलचस्प बातें हैं इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी टीम के बारे में, पिच के बारे में, प्रेडिक्शन के बारे में। भाई दोनों ही टीम का प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर इंडिया की टीम कहीं ना कहीं स्ट्रांग है तो पाकिस्तान की टीम को भी हम कमजोर नहीं समझ सकते। हालांकि अब तक जितनी बार भी पाकिस्तान और इंडिया की भिड़ंत हुई है पाकिस्तान हमेशा हारा है, लेकिन हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हमारे पाकिस्तान की टीम को, वो भी तो कुछ ना कुछ मैदान में सोच के ही उतरेगी, ठीक है। चलिए अब तक के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इंडिया और जो पाकिस्तान है वो 8 बार आमने सामने आ चुकी है, जिसमें से आपकी 6 बार तो इंडिया जीती है, 1 बार सिर्फ पाकिस्तान को जीत मिली और 1 मैच टाई रहा था। तो मतलब इन आंकड़ों से हम खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं या आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमेशा से इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे भारी रहा है और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो भी हमेशा से भारी रहे हैं। लेकिन ये हम आज के मैच में तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ भाई इंडिया ही जीतेगी, क्यों नहीं भाई पाकिस्तान भी जीत सकते हैं। शोएब मलिक की वापसी हुई है, बाबर आजम जो है वो आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, अगर इंडिया में आपको रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, ठीक है। टीम की बात कर लेते हैं, वो भी बहुत जरूरी है, बिना टीम के तो। सबसे पहले हम बात करते हैं पिच की, तो भाई आईपीएल अभी हाल ही में खत्म हुआ है और आईपीएल का जो दूसरा फेज था वो दुबई में ही खेला गया है, अलग अलग स्टेडियम्स में खेला गया है, दुबई में खेला गया, शारजा में खेला गया, अबू धाबी में खेला गया। तो हमारे जो इंडिया के प्लेयर्स हैं उन्होंने उनको दुबई के स्टेडियम पे खेलने का पूरा अनुभव है, उन्हें पता है कि यहाँ पे बॉलर्स की ज्यादा चलती है, स्पिनर्स की ज्यादा चलती है या बल्ले से चौके छक्के देखने को ज्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर हम स्कोर की बात करें तो 150 से लेकर 170 के बीच ही आप जो यहाँ के जो प्लेइंग ग्राउंड्स हैं यहाँ पे आप स्कोर बना सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते, क्योंकि ग्राउंड बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, मीडियम है। अगर आप शारजा में होता तो ग्राउंड छोटा है, वहां पे आप 200 प्लस भी कर सकते थे, लेकिन शारजा में मैच नहीं हो रहा, मैच हो रहा है आपका दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो आंकड़ों के हिसाब से अगर आईपीएल के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो भाई देखना तो बनता है, आईपीएल के मैचेस भी बहुत सारे हुए हैं। आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो जिस टीम ने बाद में बैटिंग करी है वो टीम जीती है, मतलब जैसे कि टॉस हुआ, ठीक है, तो जिस भी टीम ने बाद में बैटिंग करी है वो टीम हमेशा से जीतती हुई नजर आई है दुबई के जो स्टेडियम है उसमें, ठीक है। अब सबसे मेन बात पता है यहाँ क्या आती है कि भारत के पास पाकिस्तान को वनडे और टी20 वर्ल्ड कप मिलाकर लगातार 13 बार
हारने का मौका मिला है। मतलब जितनी बार भी इन टोटल हम अगर T20 वर्ल्ड कप को हटा दें, वनडे की बात करें, तो अब तक 13 बार पाकिस्तान भारत से हारी है। लेकिन 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 फिलहाल ये तो खैर पुरानी बातें हो गई। टीम हर साल बदलती है, हर साल प्लेयर्स यही सोचते हैं कि इस बार वो जीत के साथ उतरेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं पिच की। बस इसमें आपको पिच की बात बता देती हूँ। तो भाई पिच मैंने आपको बताई है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं सबके पास, ऐसा नहीं है कि कुछ के पास है, लेकिन सबके पास इस बार अनुभव है दुबई के जो स्टेडियम है उसमें खेलने का, उनको पता है कि दुबई के स्टेडियम की पिच कैसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है कि जो पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उन्हें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टिकट नहीं मिला है। मतलब वो मैच जो है वो लाइव नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ अपने फोन्स में देख सकते हैं। ये भी बहुत, अब क्यों नहीं मिला? उन्होंने PCB लाइक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने PCB से शिकायत भी करी है। तो भारतीय फैंस ने ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू होने से पहले कुछ मिनट पहले पूरा स्टेडियम खचा खचाच हमें भरा देखने को मिलेगा। भाई हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच किसी त्यौहार से कम नहीं है। हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि हाँ भाई कब पाकिस्तान इंडिया आएगी, कब पाकिस्तान इंडिया आएगा। आज तो त्यौहार ही है, करवा चौथ भी है, प्लस इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो भाई आज सब लोगों को दो चीज़ों का इंतजार है, एक चांद, दूसरा मैच। चांद का तो पता नहीं, मैच का तो फिक्स है अपने 7:30 बजे से होगा। पिच की एक बार फिर से हम बात कर लें तो भाई IPL फेज 2 में यहाँ पे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 13 मैच खेले गए थे, जिसमें से 9 में जो उसने बाद में बल्लेबाजी की है वो जीती है टीम। तो अब ये तो टॉस के बाद ही पता चलेगा कि फील्डिंग की कौन सा कप्तान फील्डिंग करना पसंद करेगा और कौन सा कप्तान आपका बैटिंग करना पसंद करेगा। लेकिन हम फिर भी इन पिचों से हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर जो है वो कैसा क्या कहते हैं खेलेगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे भारत की टीम के लिए सबसे जरूरी क्या है कि भाई रविंद्र जडेजा के साथ दूसरे स्पिनर के तौर पे वरुण चक्रवर्ती को जगह मिलनी चाहिए या फिर अश्विन को जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई हमारे जो जड्डू हैं वो ऑलराउंडर हैं, ठीक है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती IPL में हम सबने उनका प्रदर्शन देखा, KKR के साथ, KKR की टीम में वो थे, हम सबने उनका प्रदर्शन देखा। हालांकि ही इज नॉट लाइक पर्पल कैप ओनर तो वो नहीं थे, वो तो हमारे अक्षर पटेल ही थे, लेकिन फिर भी वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन IPL में बहुत अच्छा रहा। टीम को फाइनल्स तक पहुंचाने में वरुण चक्रवर्ती एक नींव थे कि हाँ भाई अगर टीम फाइनल्स में पहुंची है तो उसमें हाफ क्रेडिट जो है वो वरुण चक्रवर्ती को ही जाएगा। अगर ऑलराउंडर की हम बात करें तो सिर्फ हमारे पास ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या के खेलने में भी अभी बहुत सारी चीज़ें अनुभव करती हैं, क्योंकि जब इंडिया के दो पहले वार्म अप मैच हुए थे, पहला आपका इंग्लैंड के साथ हुआ था, दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, दोनों ही वार्म अप मैच में हमें हार्दिक पांड्या जो है वो खेलते हुए नहीं नजर आए थे, क्योंकि चोट के कारण उनको छुट्टी दी गई थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या हार्दिक पांड्या आज हमें खेलते हुए दिखेंगे? हालांकि इंडिया दोनों ही वार्म अप मैच जीत गई थी, पहला इंग्लैंड से और दूसरा ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन हार्दिक पांड्या की कमी कहीं ना कहीं कोहली को खलेगी, क्योंकि वो स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं और बल्ले से भी वो रन बनाने में पूरे पूरे माहिर हैं। पाकिस्तान टीम की अगर मैं बात करूं तो 12 खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान ने ऑलरेडी जो है वो जाहिर कर दी, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन एकमात्र सवाल यहाँ ये है कि शोएब मलिक, ठीक है, मोहम्मद हफीज और हैदर अली ने कौन से एक को प्लेइंग 11 से बाहर किया जाएगा। भाई तीन खिलाड़ी हैं, ठीक है, एक को दो को लेना है, एक हमारे पास और दो स्पॉट्स खाली हैं, तीन खिलाड़ी हैं, तो किसको बाहर किया जाएगा। लेकिन अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बात करें या पुराने रिकॉर्ड्स को उठा के बात करें तो मलिक और हफीज जो है वो दोनों ही प्लेइंग 11 में आने के हकदार हैं। भाई शोएब मलिक ऑब्वियसली हमेशा से अच्छा खेलते नजर आए हैं, जितने बार भी खेले हैं आए, हालांकि एक साल बाद आ रहे हैं, ब्रेक के बाद आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि नहीं। आगे बढ़ते हैं तो भाई शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान के अगले वसीम अकरम है, मतलब वो अगला वसीम अकरम कहा जाता है। अब ऐसा क्यों भाई, अब तक 61 मैच खेले हैं उन्होंने, ठीक है, और 20 बार उन्होंने पहले ही ओवर में विकेट जो है वो लिए हैं प्लेयर्स के पहले ओवर में। मतलब आप सोच सकते हो कि पहले ओवर में किसी का विकेट जाना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा
इग्बू होता है। इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए भारतीय ओपनर्स को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन ओपनिंग करते हुए हमें रोहित शर्मा और हमारे केएल राहुल ही नजर आएंगे। भाई हिटमैन ओपनिंग ना करे तो फायदा क्या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने का। वार्मअप मैच में भी एक मैच में रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग करते नजर आए थे, तो दूसरे मैच में हमें ईशान किशन और सूर्य कुमार जो है वो ओपनिंग करते हुए नजर आए थे, लेकिन इंडिया वाले मैच में जो है इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में हमें रोहित शर्मा और केएल राहुल ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। अरे यार सबसे खास बात क्या है कि आखिर क्यों है इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट इंडिया पाकिस्तान के मैच का? भाई मैचेस तो बहुत सारे होंगे, इंडिया के बहुत सारे होंगे, श्रीलंका के साथ होगा, वेस्ट इंडीज़ के साथ होगा, इंग्लैंड के साथ होगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच में ही क्यों इतनी ज़्यादा दिलचस्पी है? तो भाई इतनी ज़्यादा हाइप इसलिए मिली है क्योंकि ICC टूर्नामेंट में हाई क्वालिटी मुकाबले कम ही देखने को मिले हैं, और इंडिया पाकिस्तान का मैच तो भाई पहले मैंने आपको बताया था किसी त्यौहार से कम नहीं होता। ICC टूर्नामेंट में हाई क्वालिटी मुकाबले कम ही हुए हैं। साल 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में हर मुकाबले में भारतीय टीम ने एक तरफा अंदाज में जीत हासिल की थी। इसी तरह पाकिस्तान ने साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स में बिल्कुल एक तरफा अंदाज में जीत हासिल की थी, तो हुआ ना ये हाई क्वालिटी मुकाबला। लेकिन ये तो बात हो गई पिच की, हो गई आपके प्लेयर्स की, हो गई कि कौन कैसा। अब ये तो देखो मैच में ही हमें पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि दोनों ही टीम्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही टीम्स इक्वल लेवल पे हैं, मतलब दोनों ही टीम्स में प्लेयर बराबर के हैं। ये तो जब मैच शुरू होगा तभी हमें पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर मैच में हार जीत का क्या असर होगा, क्योंकि ये पहला मैच है पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी, और इसके आगे के जो सारे मैचेस होंगे उसमें आज की जीत और हार पे ही आगे वाली जो टीम है वो निर्भर करेगी कि कैसा खेल सकती है वो, ठीक है। तो आगे के जो मैचेस होंगे वो करो या मरो वाले होंगे, कि भाई आप या तो अच्छा कर लो या फिर आप टाटा बाय बाय बोल दो इस बार वर्ल्ड कप को। और सबसे जरूरी बात क्या है कि इस बार इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना ही चाहिए, क्योंकि पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना का भी यही कहना है कि आखिरी वर्ल्ड कप है कोहली का बतौर कैप्टन, तो कोहली क्या इवन वो टीम भी यही चाहेगी कि वो ट्रॉफी के साथ जो है अपने कप्तान को विदाई दे। 14 साल बाद भारत जीते, लास्ट 2007 में जीता था भारत धोनी की जब टीम, जब धोनी कैप्टन थे, इस बार धोनी मेंटर है, क्या पता इस बार धोनी का, भाई धोनी का दिमाग है वो बंदा। CSK तो हमने देखी है कि किस तरीके से जब जब IPL शुरू हुआ था और CSK क्या कहते हैं IPL शुरू हुआ तो CSK को बूढ़ों की टोली कहा गया था कि अरे इनसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब IPL फेज 2 में दोबारा CSK ने वापसी करी तो भाई 14 में से 11 मैच जीती, 3 मैच हारी, फाइनल्स में पहुंची, सेमीफाइनल्स क्वालिफाई किया, फाइनल्स में पहुंची, KKR को हराया 27 रन से। तो भाई हम अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते हमारे महेंद्र सिंह धोनी को। तो हम क्या, हर कोई यही चाहता है कि इस बार इंडिया ट्रॉफी जो है वो लिफ्ट करे और जो हमारे टीम है वो अच्छे से, जो हमारे कैप्टन है यानी कि विराट कोहली हैं, उनको ट्रॉफी के साथ विदाई दे। आगे हम बात कर लेते हैं एक बार, हाँ मैं आपसे ये कह रही थी कि क्या असर होगा हार और जीत का इस मैच पे। तो भाई करो और मरो वाले आखिर के सारे मैचेस होंगे, क्योंकि अगर आज टीम हारती है, कोई सी भी टीम हारती है, तो उसको आने वाली टीम के साथ जो मुकाबले होंगे उसमें अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है या इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है, दोनों ही टीम संतुलन में है, कंसिस्टेंसी है दोनों ही टीम्स में, ठीक है। अच्छा अब क्या है, भारत पाकिस्तान के मुकाबले में जो टीम हारेगी उसके लिए ग्रुप स्टेज के बाकी मुकाबले वही करो या मरो वाले होंगे, डू और डाई वाले मुकाबले होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर पहले ही मैच हार जाओगे तो आपका जो मनोबल है या जो लेवल है थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो आप दूसरे मुकाबले में ऑब्वियसली आप जीतने की सोचोगे कि भाई ये दूसरा मुकाबला है तो हम जीत के साथ ही शुरू करेंगे। अच्छा प्रिडिक्शन वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम इस मैच की प्रिडिक्ट तो कर ही नहीं सकते कि इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि दोनों ही टीम्स बिल्कुल संतुलित हैं, कंसिस्टेंस हैं, प्लेइंग 11 में भी अब उनकी जो वो है वो
भारत में बैट्समैन की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा है आपके पास, केएल राहुल है, फिर आपके विराट कोहली चीकू कप्तान है जो तीसरे नंबर पे आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, सूर्य कुमार यादव है, ऋषभ पंत हैं, ये पांच जो हमारा बैटिंग लाइनअप है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पहले और दूसरा ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब हम ये सोच सकते हैं कि अगर आज रोहित शर्मा और केएल राहुल का बल्ला चल गया तो तीसरे और चौथे और पांचवें जो बैट्समैन है उनको मैदान पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑलराउंडर में आपके हार्दिक पांड्या है, हालांकि अभी हार्दिक पांड्या के खेल पे 50-50 के चांसेस हैं क्योंकि लास्ट मैच उन्होंने नहीं खेला था, तो हमने विराट कोहली को बॉलिंग करते हुए देखा गया था इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके शार्दुल ठाकुर हैं, मोहम्मद शमी हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, जसमीत बुमराह हैं, बुमराह तो हमने IPL में देखा ही था, तो ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये IPL खेलते हुए आ रहे हैं और IPL के इतिहास या IPL के मैचेस पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो इंडिया की टीम है जो प्लेइंग 11 है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हर किसी को अनुभव है, कोई ब्रेक भी नहीं रहा है, कंटिन्यूसली लोग खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो पहले आपको बाबर आजम कप्तान जी वो खेलते हुए नजर आएंगे, बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान आपको जो है वो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, फिर आपके फरक जमान है, आशिफ अली है, और राउंडर में आपके भारत के दामाद शोएब मलिक एक साल बाद पाकिस्तान की टीम में एंट्री लिए वो हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, शादाब खान हैं, इमाद वसीम हैं, तो ये तो आपके ऑलराउंडर्स हो गए। हालांकि पाकिस्तान के पास ज़्यादा ऑलराउंडर्स हैं, पाकिस्तान के पास चार ऑलराउंडर्स हैं, हमारे इंडिया के पास सिर्फ दो ऑलराउंडर हैं, बट कोई बात नहीं। बॉलर्स की बात करें तो हसन अली हैं आपके, आरिफ रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं जिनको वसीम अकरम मैंने आपको पहले बताया था वसीम अकरम खा गया है। प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो भाई इस मैच में कोई भी ऐसा बड़ा पहलू नहीं है कि जो पाकिस्तान की जीत की ओर इशारा करता है, क्योंकि फिर से अगर हम इतिहास की बात करें तो हमेशा से ही इंडिया जीतती हुई आई है और पाकिस्तान हारती हुई है। आज हो सकता है कोई ऐसा कमाल हो जाए कि भाई इंडिया जीत जाए या आज ऐसा कोई कमाल हो जाए कि पाकिस्तान जीत जाए और हमारे इंडिया हार जाए, हालांकि हम तो ऐसा नहीं चाहेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वी सपोर्ट इंडिया, सपोर्ट आवर कैप्टन, सपोर्ट महेंद्र सिंह धोनी, सपोर्ट एवरीवन इंडिया। सो हर फैक्ट को अगर हम देखें, हर फैक्ट को आपको देखना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री में एक बार जाके या पुराने जो मैचेस हुए उनको जाकर देखना पड़ेगा, तो हर फैक्ट जो है वो इंडिया के पक्ष में ही दिख रहा है। भारत ने पाकिस्तान को लगातार 5 बार T20 वर्ल्ड कप में हराया है और ये छठा बार है जब भारत और पाकिस्तान जो है वो आएंगे। 5 साल बाद वही टीम आपके सामने आ रही है, मैच बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, बहुत ज़्यादा। और अगर आपने अभी ड्रीम 11 की टीम नहीं बनाई है तो प्लीज़ बना लीजिए, मैंने आपको प्लेयर्स बता दी हैं कौन से चल सकते हैं कौन से नहीं, क्योंकि मैंने तो ड्रीम 11 की टीम अपनी टीम बना ली है, मैं तो खूब सारे पैसे दूँगी और मैच भी ज़रूर देखूँगी, आप भी ज़रूर मैच देखिएगा। अच्छा, अब भारत ने पाकिस्तान को लगातार 5 बार तो हराया है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अगर हम बात करें तो भारत की टीम ने पाकिस्तान की तुलना में अच्छा ही प्रदर्शन किया है, कोई बड़ा और कोई बहुत बड़ा उलटफेर ना हो तो भारत को इस मैच में जीत हासिल ही करनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि भाई एक बार फिर से भारत जो है वो जीते, क्योंकि ये पहला मैच है, भारत के लिए पहला मैच है, पाकिस्तान के लिए पहला मैच है, जितने भी वार्म अप मैच हुए वो सारे वार्म अप मैच हैं, लेकिन अब ग्रुप 12 के जो मैचेस हैं वो आज से शुरू हो गए और पहला ही मैच इंडिया पाकिस्तान के बीच जो है वो खेला जा रहा है। तो प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि टीम कैसे जीतेगी, तो हम 50-50% चांसेस लगा लेते हैं कि पाकिस्तान की टीम जीतेगी, 50% चांसेस कि आपकी इंडिया की टीम जीतेगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये लाइव ठीक है, इसके बाद मैं एक लाइव और लेके आऊँगी जब मैच आपका ख़त्म हो जाएगा कि किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्म किया, कौन सी टीम जीती, किसको कितना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि इधर आपके KL राहुल हैं तो इधर बाबर आजम हैं, इधर हार्दिक पांड्या हैं तो इधर शोएब मलिक हैं, तो मतलब ये आप समझ रहे हो ना क्या केमिस्ट्री है दोनों की, क्या कंसिस्टेंसी है दोनों टीम्स की। भाई हम सभी यही चाहेंगे कि भाई इस बार इंडिया वर्ल्ड कप जीते। बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे मैंने आपको पहले ही बता दिया, धोनी एज अ मेंटर है, सारा दिमाग जो है वो इस बार धोनी का चलेगा कि कौन सा प्लेयर कहाँ जाएगा, कौन सा प्लेयर कौन से नंबर पे जाएगा, क्या आगे की स्ट्रैटेजी होगी, सब इस बार हमारे धोनी कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है
जो हमारे कोच हैं इंडिया के रवि शास्त्री जी, उनका भी जो कार्यकाल है वो भी नवंबर में खत्म हो रहा है। 14 को आपका वर्ल्ड कप का फाइनल है और 21 को उनका जो है कार्यकाल वो खत्म हो रहा है। इसके बाद हमें भारत के लिए भी नए कोच मिलेंगे, तो नए T20 वर्ल्ड कप के नए कैप्टन मिलेंगे। तो आपको ये लाइव, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये लाइव कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप भी जाके मैच देखें, 7:30 बजे से मैच है, देखना ना भूलेगा, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2021। और एक बार एक लाइव में आपके लिए फिर लेके आऊँगी शाम रात को, जब मैच खत्म हो जाएगा, मैच टीम के बारे में, टीम के प्लेयर्स के बारे में, बाकी सब कुछ। तो स्टे ट्यून विद मी एंड वॉच सनराइज। थैंक यू।